एक महीने चलने वाली आर्ट फेस्ट की शुरुआत शनिवार को अंबाबाई के गोंधल से हुई। इससे पहले महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने चित्रकार विनय चानिकर और उनकी टीम ने पेंटिंग से चित्रित आर्ट कार का विमोचन किया और विंटेज कार रैली को हरी झंडी दिखाई। 21 सितंबर को यूज आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित सार्वजनिक कला महोत्सव नागपुर कला संघ का दूसरा संस्करण 21 सितंबर 2024 को शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम सीमाओं के पार कलाकारों को नवीन कलाकृतियां और मूर्तियां बनाने के लिए प्रेरित करती है, जो उनकी दृष्टि, कल्पना और कलात्मक प्रतिभा को दिखाती है। डॉक्टर अभिजीत चौधरी IAS आयुक्त नगर निगम नागपुर ने महोत्सव का उद्घाटन किया। समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह, कलाकार के अनावरण और सेंट्रल इंडिया विंटेज ऑटोमोटिव एसोसिएशन के नेतृत्व में विंटेज कारों के काफिले के कलाकारों के साथ हुई। इसके बाद श्री कला महाविद्यालय के द्वारा जोगवा का एक मनमोहक लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। उद्घाटन समारोह में करवात काठी साड़ी बुनाई की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विदर्भ के शाही बुनकरों की विरासत को याद किया गया। इसके अलावा मिट्टी और टेराकोटा पॉटरी कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस महोत्सव में 140 से अधिक कला प्रतिष्ठान, मूर्तियां, पेंटिंग और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रतिष्ठान सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट और श्री कला महाविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई हैं। कलाकारों को बहुविषयक कलाकार विनय चानिकर और उनकी टीम के सहयोग से बनाया गया है। ऐसी जानकारी क्यूरेटर सोमी गुप्ता इनके द्वारा दी गई। कलाकार को बहुविषयक कलाकार विनय चानिकर और उनकी टीम के सहयोग से बनाया गया है। VR नागपुर में बेसमेंट की दीवार को आर्ट गैलरी में तब्दील करते हुए बेसमेंट आर्ट प्रोजेक्ट श्री कला महाविद्यालय की कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित करता है। अगले महीने VR नागपुर कलात्मक उत्सव के केंद्र में तब्दील हो जाएगा, जिसमें इंस्टॉलेशन, ललित कला, कविता, संकेत, फोटोग्राफी, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, पैनल चर्चाएं, युवा कलाकारों की प्रतियोगिता, कला सिनेमा की स्क्रीनिंग और एक कारीगर बाजार शामिल होंगे। जब हमने पिछले साल पहला नागपुर कला संघ करा तो हमको हम इतने खुश हुए देख कर, यहाँ पे इतना टैलेंट है, इतने सारे क्राफ्ट्स और कलाकार इतने सारे हैं और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। और हम ये जो पब्लिक आर्ट फेस्टिवल हैं ये 10 साल से ऊपर से कर रहे हैं इंडिया के काफ़ी शहरों में, और नागपुर में ये दूसरा साल है। और बिकॉज नागपुर में इतनी अलग अलग तरह की कला है, जैसे आज आप नीचे देखेंगे एक पुरानी विदर्भा की जो रॉयल ट्रेडिशन थी साड़ी वीविंग की, वो वहाँ पर दिखा रहे हैं। पॉटरी, पेंटिंग, फोक डांस, ये सब छात्र कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस के। और ये जो VR सूरत ने हमें जगह दी है ये यहाँ पे, ये एक पूरे महीने के लिए नागपुर कला संघ को करने के लिए, वो जगह भी इतनी अच्छी है कि वहाँ बड़ी सारी अलग अलग चीज़ें पूरे महीने तक हो सकती हैं, जैसे एग्जीबिशन, वर्कशॉप, यहाँ सिनेमा भी है तो आर्ट सिनेमा भी दिखा सकते हैं, यहाँ जगह है जो कविता सम्मेलन भी होगा, तो जो बुक्स के ऑथर्स हैं वो भी आके अपनी नई किताबों का यहाँ पर बुक रीडिंग करेंगे, और पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स, एक महाराष्ट्र एंड फोकस हम प्रोग्राम रन करते हैं कॉम्पिटिशन, जिसमें हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं, वो अपनी महाराष्ट्र से फ़ोटोएँ खींच के हमको भेजते हैं, फिर हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं फ़ोटोज़ और हम एग्जिबिशन करते हैं। सो हमने एक आर्ट गैलरी भी बनाई है, सो जगह बहुत अच्छी है, एक पूरे महीने तक कुछ ना कुछ यहाँ कला का होता रहेगा। आप सबको आएँ और देखें और ये छात्रों का उत्साह और भी बढ़ाएँ कि यहाँ से शुरू होगी ड्राइव, 3 बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत विंटेज कार्स इसमें हिस्सा ले रही हैं और पब्लिक बहुत उत्साह से उनकी फोटोएं खींच रही है और बहुत अप्रीच, और वो भी एक कला ही है इतने साल पहले इन सबको डिज़ाइन करना, तो वो भी एक कला है जो हम दिखाना चाहते हैं सबको। बेसिकली हम चाहते हैं कि जितनी से जितनी ज़्यादा कला हम सबको दिखा सकें, वो हमारा मकसद है, और लोगों तक पहुँचा सकें आपके ये माध्यम से, और लोगों को पता चलेगा कि VR नागपुर में एक महीने के लिए ये नागपुर कला संघ हो रहा है, और जरूर आके सब हिस्सा लें और इनको देखें। नागपुर कला संघ का यह संस्करण कई महत्वपूर्ण सहयोगों से संचालित है, जिनमें से प्रत्येक उत्सव के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है। स्टेम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में यूनेस्को नई दिल्ली के साथ एक प्रमुख साझेदारी है।
मुख्य आकर्षणों में यूनेस्को के प्रकाशन ए ब्रेडेड रिवर द यूनिवर्स ऑफ इंडियन वुमेन इन साइंस पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी और इंटरवावन लेगेसीज सिनर्जीज बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज एंड लिविंग हेरिटेज इन इंडिया नामक एक डिजिटल शो के शामिल है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।